इन्होंने जो पॉइंट बोला है, ये बोला है कि मेरा काम बड़ा है जो एक बक्से में फिट नहीं हो सकता, तो मैं क्या इस काम को दो टाइम बॉक्सेस में कर लूं, एक टाइम बॉक्स में शुरू करूं और दूसरे बॉक्स में मैं कंटिन्यू कर लूं? आंसर इज नो। रीजन, फिगर आउट टू मेक इट स्मॉल। क्योंकि बड़े काम में जितना बड़ा काम होता है उसमें उतनी हिडन चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ मैकेनिक्स लगाओ जिससे उसको छोटा बना सको। कैसे? आपका बड़ा स्क्रीन है, आपके स्क्रीन में 50 फील्ड्स हैं, 50 फील्ड्स हैं। अब प्रोफाइल मैनेजमेंट पेज है, प्रोफाइल मैनेजमेंट पेज के अंदर जब तक 50 फील्ड नहीं होंगे तब तक काम खत्म नहीं होगा। आप कैसे छोटा कर सकते हो उसे? आप एक स्प्रिंट में नहीं फिट कर सकते। उसका कुछ सेगमेंट कर दो, 50 फील्ड हैं। प्रोफाइल के अंदर जनरल इंफॉर्मेशन होगी, वर्क एक्सपीरियंस होगा, पिक्चर अपलोड होगी, एजुकेशनल डिटेल्स होंगी। तो आप क्या बोलोगे? प्रोफाइल पेज विद जनरल इंफॉर्मेशन ओनली, एडिंग एजुकेशनल डिटेल्स टू प्रोफाइल पेज, एडिंग प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस टू प्रोफाइल पेज, अपलोडिंग पिक्चर टू अ प्रोफाइल पेज। अब आपने थोड़ा नोटिस किया, मैंने ये नहीं बोला कोडिंग ऑफ अ प्रोफाइल पेज, टेस्टिंग ऑफ अ प्रोफाइल पेज, यूएक्स ऑफ अ प्रोफाइल पेज। अगर मैं ऐसा बोलता तो वो वेरीफाइबल नहीं होता, वो इंक्रीमेंट का पार्ट नहीं होता। जब आपने बोला केवल जनरल इंफॉर्मेशन, वो बन सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और हो सकता है कि शायद उसे प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत ही ना हो। कई यार मेरे को जनरल इंफॉर्मेशन ही काम चला देते हैं, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन हम बाद में डालेंगे, पहले कुछ डैशबोर्ड और बना लेते हैं। लेट्स से समटाइम्स टास्क हमने सेगमेंट किया, दो वैसे सेगमेंट किया। फर्स्ट इज हम कोई सर्विस बना रहे कनेक्ट करने के लिए, और तो बहुत ज्यादा कोडिंग रिलेटेड हो गया। बट सेकंड थिंग हम फीचर डेवलप कर रहे हैं स्क्रीन पे। तो फर्स्ट वीक में हम सर्विस ले सकते हैं, बट उसमें प्रोडक्ट ऑनर को कुछ विजिबल नहीं होगा बिकॉज हमने बैक एंड का काम किया। सो दैट फाइन, तो इट कुड बी अ स्पाइक। देखो दो चीजें हैं, अगर आपको सर्विस कैसे काम करेगी उस पर विश्वास नहीं है अभी, आपको कॉम्प्लेक्स सर्विस है और आपको ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे काम करेगी। फर्स्ट वीक में वही डेवलप होगा जिस वीक से मैंने उसे ब्रेक किया। या तो आइडिया ये है कि वो वेरीफाइबल हो, सर्विस का भी कोई बेसिक कॉलिंग मैकेनिज्म हो जिससे प्रोडक्ट ओनर बिजनेस वे में वैलिडेट कर सके। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही टेक्निकल है तो प्रोजेक्ट प्रोडक्ट ओनर शायद सर्विस की लैंग्वेज भी समझेगा, अगर वो टेक्निकल प्रोजेक्ट है तो। अगर प्रोजेक्ट टेक्निकल नहीं है, कभी कभी ऐसे सिनेरियोज आते हैं, तो आपको प्रोजेक्ट के ओवरऑल इंटरफेस में उसे इंटीग्रेट करना। पॉइंट ये है कि इट शुड बी वैलिडेटेबल बाय द एंड कस्टमर्स विदाउट कंफ्यूजन, हुआ है या नहीं हुआ। हम लोगों को कुछ ग्रेज और क्वेश्चन मार्क्स की प्रोबेबिलिटीज मिनिमम रखनी है कि नेक्स्ट तक हो जाएगा, अभी इतना हुआ है नहीं, जितना हुआ है दिखा दो, बट वो कंप्लीट इनफ होना चाहिए जिसको मैं टेस्ट कर सकूं, कुछ कर सकूं उसके साथ। अगर मुझे पसंद आए तो मैं मेरे एंड कस्टमर्स को भी दे सकूं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है।